Subscribe and press the bell icon for latest update. अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई लड़की जैसे ही जवानी में कदम रखती है तो उसे मासिक धर्म के दर्द का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि जवानी में लड़कियों को माहवारी का होना एक आम बात है और साथ ही ये एक ऐसा दर्द होता है जिसके हो जाने पर ज्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इस दर्द से निजात पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय जरूर अपना सकती हैं और इन घरेलू उपायों को अपनाने से आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान भी नहीं होगा। अब आप सोच रही होंगी कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है। जी हाँ, अगर आप अपनी नाभि पर तेल से मालिश करती हैं तो ये आपको मासिक धर्म के दर्द से निजात दिला सकता है। इसके अलावा अगर आप अपनी पेट की नाभि पर तेल की कुछ बूंदों को रखकर रगड़ते हैं तो जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, सर्दी, जुकाम, नाक बहना और त्वचा जैसी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाभि पर तेल लगाने से आपको और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर एक, अगर आप सर्दी जुकाम से परेशान है तो आप रुई के फोहे को एल्कोहल में डुबोकर पेट की नाभि पर लगाएं, आपको सर्दी जुकाम से राहत मिल जाएगा। नंबर दो, अगर आपको मासिक धर्म के दौरान दर्द और ऐठन जैसी समस्या होती है तो आप रुई के फोहे को ब्रांडी में भिगोए और इसे पेट की नाभि पर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको राहत मिल जाती है। नंबर तीन, नीम के तेल की कुछ बूंदों को पेट के बीच में रखकर मालिश करने से आपके किल मुहासे ठीक हो जाते हैं। नंबर चार, ऐसा माना जाता है कि बादाम के तेल की कुछ बूंदों को पेट की नाभि पर लगाने से चेहरे पर निखार आता है, जिससे आप सुंदर और जवान दिखने लगते हैं। नंबर पाँच, अगर आपको अपनी प्रजनन क्षमता को बढ़ाना है तो आप नारियल के तेल की कुछ बूंदों को नाभि पर रखकर धीरे धीरे से इसकी मसाज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धीरे धीरे से प्रजनन क्षमता बढ़ने लगेगी। यह है क्योरन हेल्थ डेस्क रिपोर्ट। Subscribe and press the bell icon for latest update.